हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का टॉपिक है डिलीशन ऑफ नोड फ्रॉम एंड ऑफ डबली लिंक्ड लिस्ट। हमें इस डबली लिंक्ड लिस्ट से लास्ट नोड को डिलीट करना है। तो लेट द नेम ऑफ द एल्गोरिथम इज डीएल लास्ट, डिलीशन फ्रॉम द लास्ट। क्या क्या हमें गिवन है? हर नोड की इंफॉर्मेशन पार्ट हमें गिवन है, हमें सारे फॉरवर्ड पॉइंटर्स गिवन है, हमें सारे बैकवर्ड पॉइंटर्स गिवन है। फर्स्ट हमें पता है, लास्ट हमें पता है, और हमारे पास क्या है? अवेलेबल मेमोरी स्पेस, जहां पर हम जब इस नोड को डिलीट करेंगे तो हम इसे कहां इंसर्ट करेंगे? अवेल के अंदर। तो हमें इंफॉर्मेशन पता है, फॉरवर्ड पॉइंटर्स, बैकवर्ड पॉइंटर्स, फर्स्ट, लास्ट एंड अवेल, ये चीजें हमें गिवन है। सो If first is equal to null, अगर first ही null है, that means हमारे पास कोई भी node नहीं है, तो हम कुछ भी delete नहीं कर सकते। तो if first is equal to null, then write underflow, क्योंकि deletion के केस में, जैसे हम insertion के केस में overflow check करते हैं, तो deletion के केस में हम क्या check करेंगे? Underflow। Underflow का मतलब क्या है? कि हमारे पास कोई भी node नहीं है जिसे हम delete कर सकें। तो अगर फर्स्ट ही नल के इक्वल है तो राइट अंडरफ्लो एंड एग्जिट, वहीं से बाहर आ जाए कि भाई अंडरफ्लो हो गया है, कोई नोड डिलीट नहीं हो सकता। सेट पीटीआर इज इक्वल टू, तो यहां पर हो जाएगा सेट पीटीआर इज इक्वल टू लास्ट। अब क्योंकि हमें लास्ट नोड को डिलीट करना है, हमें इस नोड को डिलीट करना है, तो हम इसे एक नाम दे देंगे पीटीआर। पीटीआर के अंदर क्या आ जाए? लास्ट। लास्ट में क्या है? लास्ट नोड का एड्रेस। हमने PTR नाम इसे क्यों दिया? कि जब हम इसे अवेल में ऐड करेंगे तो हमें इस नोड का नेम पता होना चाहिए, ताकि हम इसे इजीली अवेल लिस्ट में ऐड कर सकें। तो हमने इस नोड को एक नया नाम दे दिया PTR। तो सेट PTR इज इक्वल टू लास्ट। देन इफ फर्स्ट इज इक्वल टू लास्ट, अगर फर्स्ट और लास्ट दोनों इक्वल हैं, यानी एक ही नोड है हमारे पास, यही नोड है फर्स्ट और यही नोड है हमारे पास लास्ट। तो फर्स्ट और लास्ट कब इक्वल होंगे? जब हमारे पास एक ही नोड होगी और हम इस नोड को जब डिलीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट भी नल हो जाएगा और लास्ट भी नल हो जाएगा। तो अगर फर्स्ट इज इक्वल टू लास्ट है, तो दैट मीन्स हमारे पास क्या है? एक ही नोड है, और उसे डिलीट करने के बाद फर्स्ट इज इक्वल टू लास्ट इज इक्वल टू नल, जो दोनों है ये क्या हो जाएंगे? नल हो जाएंगे। Else, नहीं तो अगर फर्स्ट और लास्ट इक्वल नहीं है, जैसे कि इस केस में है हमारे पास, तो क्या करें? लास्ट के अंदर आ जाए बैक पॉइंटर ऑफ लास्ट। तो बैक पॉइंटर ऑफ लास्ट, बैक पॉइंटर ऑफ लास्ट क्या है? ये नोड है, अब लास्ट इसे पॉइंट नहीं करेगा, लास्ट के अंदर आ जाएगा बैक पॉइंटर ऑफ लास्ट। तो अब ये नोड क्या बन जाएगी? जब ये नोड डिलीट हो जाएगी तो ये नोड हमारी लास्ट नोड बन जाएगी। तो क्या करना है हमें? लास्ट को पॉइंट करना है किस पे? बैक ऑफ लास्ट के। एंड फॉरवर्ड ऑफ लास्ट इज इक्वल टू नल। अब ये लास्ट नोड बन गई है हमारी, इसके फॉरवर्ड पॉइंटर में, यहां पर इसके फॉरवर्ड पॉइंटर में क्या आ जाएगा? नल, क्योंकि हमने क्या किया? इस नोड को डिलीट कर दिया, तो ये लास्ट नोड बन गई। अब इसके नेक्स्ट नोड कोई भी नहीं है, तो इसके फॉरवर्ड में क्या आ जाए? फॉरवर्ड ऑफ लास्ट इज इक्वल टू नल। तो अब हमारे पास ये एक नोड बन गई पीटीआर, जिसे अब हम ऐड करेंगे। कहां पर हम इसे ऐड करेंगे? अवेल में। तो ये हमारे पास अवेल लिस्ट है, अवेलेबल मेमोरी है, जहां पे हम इस नोड को ऐड करेंगे। तो कैसे हम इस नोड को ऐड करेंगे पीटीआर को? सेट फॉरवर्ड ऑफ पीटीआर इज इक्वल टू अवेल, जो इस नोड का फॉरवर्ड है उसे हम पॉइंट करा देंगे अवेल में, क्योंकि जो भी नोड हम डिलीट करते हैं वो कहां जाती है? अवेल के बिगनिंग में। तो हमने क्या किया? इसका फॉरवर्ड पॉइंटर किसे पॉइंट करा दिया? अवेल में। और अब ये क्या बन जाएगी? अवेल की फर्स्ट नोड। एंड अवेल इज इक्वल टू पीटीआर। अब नया अवेल हमारा क्या बन जाएगा? दैट इज पीटीआर, ये हमारा बन जाएगा अवेल। तो ये नोड कहां इंसर्ट हो गई? अवेलेबल मेमोरी के बिगनिंग में। सो दिस इज एन एल्गोरिदम टू डिलीट नोड फ्रॉम एंड ऑफ डबली लिंक्ड लिस्ट।
थैंक यू।